गिनती पाने लिए गया सी, कोई अपना भरा आया सीगा कपूरथले जेल चों, वो गिनती पाने लिए इकला जब गया उत्थे पहला तो ही 20-25 जने खड़े सीगे राड़ा रूड़ा सूए-साए लैके, तो उन्होंने इहदे ते हमला किया जिहदे च इहदी छाती ते सिर ते सट लगी है। तो कौन हैगा तुहाडा, तुहाडे की लगदे ने? ये ब्रदर है भाई, मेरा केस वार भी है, एको परचे अं जेल कट्टी है। हाँ जी, आ 307 का परचा है, पनीत बैंस के नाल लड़ाई हुई सी इंडियन समर होटल। हाँ जी, हाँ जी, मेरी जमानत हो चुकी 6 महीने हो चले, 5.5-6 महीने पहले साढ़े सारे केस वार आ चुके हैं, मतलब एक ही है सारे की हो गई, कल ही है जी। वो भाजी अंदर चिट्टा बेचते है जी, नेगी है मुंडा, होर कोई जग्गा ही मुंडा कपूरथले का, वो भी चिट्टे चुट्टे के परचे है, कपूरथले जेल चो आया वो भी। होर बाकी मैं इन्ने नाम नहीं, अजे मेरी गल नहीं हुई उहदे नाल, ते इन्ना ही पता लग्या कि ये नेगी है मुंडा कोई, एक संजू बामन कोई इदा करके, तो 25-30 जने सीगे। मेरी गल नहीं हुई अजे शुभम के नाल, फिर मैं पुछूंगा। ते तुहानू कित्ता तलाह मिली भाई भी इन्हां दी जेल च लड़ाई होई है? इन्हें आन लगे हूँ भाजी उत्थे किसी मुलाजम के फोन तो घरे फोन किया होना, ये पापा का फोन आया मैनूं कि इदा इदा शुभम की लड़ाई हुई है जेल च। हाँ जी, भाई ग्रुप के नाल संबंधित चिट्टा बेचण वाले है जी, कोई इदा नहीं कतीड़ है जी, 25-30 जने इकट्ठे हो गए किसी एक ते पै गए, वो है इन्हों के होर बल्ले कक्ष नहीं। हाँ जी, कि इकट्ठे हो गए भाई, नशा बेचण तो रोकिया सीगा तां उहदा रिजल्ट है। 2-3 दिन पहले उन्हें असी पहले भी 6 महीने पहले एक बारी चिट्टा बेचण वाले पकड़ाए सी जेल दे विच, कि ये जेल च चिट्टा बेचदे आ जी बंदे। अश्विनी शर्मा उत्थे सिक्योरिटी डिप्टी है, जिन्होंने सारी गल दसी सी कि, पर अश्विनी उहदा सानूं पकड़ाउण दा ये रिजल्ट मिलिया सीगा कि अंदर साडे लड़ाई हुई, उन्होंने साडे ते अटैक किया, तो रिजल्ट आ मिलिया कि साडे चलान पा के सानूं होर जेलों च शिफ्ट करता, तो वह बंदे उत्थे लुधियाणे जेल च ही सीगे। तो परसों फिर इन्हां ने परसों फिर पकड़ाया चिट्टा बेचण वाले, तो अज फिर उहदा रिजल्ट मिल गया कि चक्कियां सैलां दे विच बंद है वो सारे बंदे, जिन्होंने आपां कह दिंदे आ सिक्योरिटी आता, कि जिथे सारियां तो कोई बाहर नहीं निकल सकता, जिथे बड़े क्रिमिनल चिट्टा चुट्टा बेचण वाले रहंदे आ, उत्थों दी निकल के अज अटैक करन आए है कि अगर जेल मिली भगत है उन्हों की ताई आ सब होंदा भाई। हाँ जी, ये कला ही है उत्थे। भाई गैंगवार का नहीं, बंबीहा ग्रुप भाई ग्रुप कोई भी नहीं, हुण कला बंदा ही गैंगवार का, इहदा की होगा ना, वो इन्ने जोगे नहीं, मतलब चिट्टा बेचण वाले इदा ग्रुप भाजी का कोई नहीं है। हाँ जी भाई, कार्रवाई करावांगे, बनदी पहले गल कर लईए, एक बारी देख लईए किन्नियां सट्टां ओहदे सिर ते छाती ते लगी है। नजायज़ काम करदे ने, उन्हां नूं तां अंदर सहूलतां दित्तीआं जा रहीआं, उस सहूलतां दा नतीजा वा कि जिहड़े अंदर सूए जां पलास है, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੇਸਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੇਸਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 100-100 ਵਾਰੀ ਛਾਂਟਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸ ਤੇ ਸੂਏ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਭਮ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਦੱਸੋ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕੇ। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.